हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 COP के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, AIB 17 का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आप सभी का रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद से BCI ने फर्दर जो है ऑनलाइन COP, जो उसका ऑफिशियल जो ऐप्स है वहाँ पर जो है पब्लिश किया था। आप वहाँ पर जा करके देख सकते थे अपने सारे डिटेल्स जो है, और उसमें अगर आपके नाम में, फादर नेम में और इनरोलमेंट सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी अगर थी तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते थे। आपको ये मौका BCI ने दिया था, और इस पर मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको करेक्शन उसमें करना था। तो अब उसी AIB 17 एग्ज़ाम के बाद से जो COP इशू किया गया था, जो ऑनलाइन COP था, उसके बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उस ऑनलाइन COP की जो वैलिडिटी है उसको जो है नकार दिया गया है। यानी उसको किसी भी तरीके से वैलिड नहीं माना जाएगा। उसको सिर्फ जो है आपके सामने इसलिए दिखाया गया था कि अगर उसमें कोई करेक्शन है तो आप उसको करेक्ट कर सकें। उसके बाद से आपने जो भी डिटेल्स जो है बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल में आप सबमिट किए थे, उससे उसका मैच किया जा सके। तो इसलिए उन सब सारी चीज़ों के लिए जो है उसको पब्लिश किया गया था, ऑनलाइन जो COP है इशू किया गया था। तो उसी बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नया जो है नोटिफिकेशन निकाला है। उस नोटिफिकेशन को आप AIB के जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उसको मैं आपको पढ़ के बता दूँ। तो उस नोटिफिकेशन में यह लिखा है कि डमी COP, यानी कि जो डमी आपको दिखाया गया था, ओरिजिनल नहीं था, जो COP आपको जो है, जो ऑनलाइन COP था वो डमी COP था। तो उसी के बारे में बात की गई है कि डमी COP यानी कि प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट या इंटरनेट COP प्रतियां वर्तमान में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऐप पर अपलोड की गई है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑनलाइन जो COP है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो ऐप है उस पर अपलोड किया गया था। उस पर आपसे आपत्ति भी मांगी गई थी, अगर कोई करेक्शन वगैरह था तो उसको सही करने का मौका भी दिया गया था। तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है। केवल उम्मीदवारों द्वारा अपने विवरण, जैसे नाम, पिता का नाम और नामांकन संख्या में सुधार का अनुरोध करने और राज्य बार काउंसिल से विवरणों को क्रॉस चेक करने के लिए विवरण देखने के उद्देश्य से अपलोड किया गया है। तो इन चीज़ों के लिए सिर्फ जो है आपका जो ऑनलाइन COP था वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। किस लिए? आपके नाम में, फादर के नेम में और नामांकन संख्या में अगर कोई करेक्शन है उसमें सुधार करने के लिए, और राज्य बार काउंसिल से विवरणों को, यानी राज्य बार काउंसिल में जो आपने डिटेल सबमिट किया था एडवोकेट फार्म को भरते समय, रजिस्ट्रेशन फार्म को, उसमें जो डिटेल्स भरे थे उस डिटेल्स को इस डिटेल्स से, यानी कि जो COP में छप के आया है उससे क्रॉस चेक करने के लिए जो है वो जो COP थी ऑनलाइन उसको अपलोड किया गया है। ये ऑनलाइन COP न तो प्रिंट करने योग्य है और न ही AIB ऐप से डाउनलोड करने योग्य है। इन ऑनलाइन COP की कोई वैधता नहीं है, क्योंकि यह केवल सुधार करने के उद्देश्य के लिए ड्राफ्ट किया गया है। उनका एकमात्र उद्देश्य AIB देने वाले उम्मीदवारों के विवरण के सत्यापन के बाद उसमें सुधार करना था या सुधार करना है। तो मैं आपको जैसा कि बताया कि जो ऑनलाइन COP जो पब्लिश की गई थी, तो उसमें सिर्फ इसलिए पब्लिश किया गया था कि आप उसको देख सकें कि उसमें जो भी डिटेल्स दिए गए हैं आपके वो सही हैं या गलत हैं। अगर उसमें डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है तो उसको आप सुधार कर सकते थे। उसके लिए आपको टाइम भी दिया गया था, और उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको बताया भी था उस टाइम। तो सिर्फ इस उद्देश्य से जो है पब्लिश किया गया था, ताकि आप अपनी डिटेल चेक कर सकें कि जो COP जो ऑनलाइन पब्लिश की गई है उसमें जो डिटेल दिया गया है वो सही है या गलत है। इसलिए उस डिटेल को पब्लिश किया गया था, ताकि आप उस जो है जो स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं उस डिटेल से और जो COP में डिटेल से उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई जो है अंतर तो नहीं है। इसलिए उसको पब्लिश कर दिया गया था, ताकि अगर कोई अंतर उसमें है, कोई गड़बड़ी है, तो उसको आप सुधार कर सके। और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि इसकी जो है कोई वैधता नहीं है, यानी कि ऑनलाइन COP की कोई वैधता नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन जो BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर उपलब्ध है, आप उसको वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब चूंकि ऑनलाइन COP जारी कर दिया गया है, काफ़ी पहले जारी कर दिया गया है, ये पता है आप सभी को, उसके बाद से आप सभी से उसमें अगर कोई करेक्शन थी तो उसको सुधार करने के लिए आपको टाइम भी दिया गया था। तो मैं भी अब बहुत जल्दी AIB 17 का जो हार्ड कॉपी है COP का, यानी जो पास करने का जो सर्टिफिकेट है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में, यानी कि जिस भी स्टेट बार काउंसिल में आप इनरोल्ड हैं वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो बहुत जल्दी आप सभी के जो रिजल्ट का जो हार्ड कॉपी है AIB 17 का,
वो स्टेट बार काउंसिल में भेजा जाएगा और उसकी फर्दर एक नई नोटिफिकेशन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होगी। तो जैसे ही ये COP आपके स्टेट बार काउंसिल में भेजा जाएगा और जैसे इस बारे में मुझे इसकी कोई जानकारी प्राप्त होगी, मैं कोशिश करूंगा इस बारे में आप सभी को बता सकूं। तो इसलिए चैनल पे जुड़े रहिए, और अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है AIIB एग्जाम से संबंधित, कोई लीगल इशूज है उससे संबंधित, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो के अलावा चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए।